नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हैं नायगांव में। यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम मैं एक मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक शोरूम में आया हूँ। तो हमारे साथ हैं परवेश शुक्ला जी। नमस्कार। तो रफ करके इनका मल्टी ब्रांड का शोरूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लो स्पीड, हाई स्पीड, इलेक्ट्रिक रिक्शा और लोडर सब कुछ है। तो अभी हम सर से बात करते हैं और देखते हैं कि सर क्या है आपके पास। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या है? मैंने बहुत सुना है रफ मोटर्स के बारे में। हम लोगों ने देखा रहेगा, आपने इतने वीडियो बनाए, आपने देखा रहेगा कि लोग कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि एक मॉडल के साथ आ जाती हैं। यस। और उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि एक मॉडल को लेकर के कोई डीलर नहीं मिलता है। राफ्ट एक मल्टी स्टोर इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम है। इसमें आपको मैरिको, जितेंद्र, वीटेक, डी एक्सप्रेस, डीएम मोटर्स, ये सारे ब्रांड जो है आपको एक जगह पे मिल जाते हैं, जिससे एक जो भी कस्टमर आता है तो उसको एक जगह पे सारी चॉइस करने के लिए मिल जाती है। अलग अलग जगह उसको भागना नहीं पड़ता है। तो ये चीज है। ओके। और ये इलेक्ट्रिक रिक्शा का भी थाने में भी परमिशन मिलता है? हाँ, थाने में मिलता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक रिक्शा हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया है थाने डिस्ट्रिक्ट में। ओके। और हम लोगों का अभी रायगढ़ में भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है। अच्छा, वहाँ भी हो रहा है। तो सर क्या ब्रांड नेम? ब्रांड नेम ये उड़ान कंपनी का इलेक्ट्रिक रिक्शा है। मेड इन दिल्ली है। दिल्ली में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और दिल्ली में अच्छा खासा नाम आपने सुना रहेगा उड़ान का। तो इसमें लिथियम और लीड में सब में अवेलेबल है? हाँ, ये लिथियम और लीड एसिड दोनों मॉडल है। जेट का ये लिथियम मॉडल है। okay. और ये मैरिको जो कि इंदौर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाँ। इसका लीड एसिड मॉडल है। okay. ये हम लोगों का राफ्ट का डेमो मॉडल है। हाँ। ये मैरिको कंपनी का मॉडल है। ये स्पेशली हम लोगों ने कस्टमर के लिए 3 दिन के लिए डेमो मॉडल रखा हुआ है। कोई भी कस्टमर आता है उसको हम लोग 3 दिन के लिए ये स्कूटर देते हैं। अच्छा, अगर चलो लेना है तो मैं 3 दिन के लिए ट्रायल, 3 दिन के लिए आपको ट्रायल मिलेगा। बहुत अच्छा, क्योंकि एक बार चला के नहीं मालूम पड़ेगा। तो 3 दिन में क्या रहता है कि आपने चार्ज करके तो दे दिया, हमने कस्टमर चलाया पिकअप, ठीक है, लेकिन 3 दिन में उसे समझ में आ जाता है कैसे चार्ज करना है, कब डिस्चार्ज होता है, कितने किलोमीटर चलता है। कंपनी बोलती है 80 किलोमीटर चलता है, बट कस्टमर 3 दिन जब रखता तो उसे एक्चुअली पता चलता है कि 80 चलता है कि 50 चलता है, क्या चलता है। तो हम लोग इसके लिए पहले बोलते हैं पहले आप यूज करो और उसके बाद खरीदो। तो चलिए हम लोग चला के देखते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. तो हम लोग ग्लोबल अरेना सोसाइटी में आ गए हैं। यहाँ पे डेडिकेटेड पार्किंग है खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक बाइक्स रख के यहाँ पे अपना चार्जिंग सॉकेट लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो पहली बार किसी बिल्डर्स ने सोचा है इसके बारे में। अभी हम इसको लगाते हैं यहाँ पे चार्जिंग में और चलते हैं अपने फ्रेंड से मिलने। तो हम उनको मिलने आए हैं। तो ये वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दिया है। अभी यहाँ पे चार्ज होती रहेगी और तब तक हम उनसे मिल लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है किसी हाउसिंग सोसाइटी ने जो ये किया है। अभी हमने चार्जिंग सॉकेट ऑन कर दिया है। ये राफ्ट मोटर का बाइक का मॉडल है, जिसमें 60 वोल्ट की बैटरी है, 28 एएच की। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका डिस्प्ले बहुत ही यूनिक बनाया गया है। इसमें बैटरी वोल्टेज स्पीड बताएगा, यहाँ पे लाइट इंडिकेटर्स के स्विच दिए गए हैं। यहाँ पे इसका जो स्विच ऑन ऑफ बटन से थोड़ा अलग बनाया है बाकी बाइक से। यहाँ पे ऑन ऑफ और बूट ओपनिंग यहीं पे दिया गया है।
एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, यूएसबी चार्जर। यहाँ आप चार्जिंग में लगा के यहाँ अपना मोबाइल रख सकते हैं या वाटर बॉटल भी रख सकते हैं। उसके बाद फ्रंट साइड में आया जाए तो इसका DRL बहुत ही सुंदर बनाया है, आप देख सकते हैं 8 के स्टाइल का इसका DRL है। इसका अपर डिपर लाइट इसी में दिया गया है, लाइट प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं छोटे से, बड़ा क्यूट सा। इसके टायर्स, फ्रंट डिस्क और एलॉय व्हील्स, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसका। अभी रियर में आया जाए तो देख सकते हैं इसके शॉक ऑब्जर्व जो हैं पीछे के, थोड़े मोटे दिए गए हैं, हैवी ड्यूटी। साथ ही साथ बैकरेस्ट दिया गया है पीछे, बड़ा सा टेल लैम्प भी इंडिकेटर दिया है। इसका बोट ओपन करके देखते हैं अंदर क्या है। अच्छी जगह है, सबसे पहले एक ऑन ऑफ का स्विच है, ये इसके अंदर बैटरी है। ये लीड एसिड वर्जन है, इसमें लिथियम भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ERIA सर्टिफिकेशन है इस व्हीकल का, फर्स्ट एड किट है। तो इसको एक चार्ज पे हम 80 किलोमीटर चला सकते हैं, कंपनी का क्लेम है। 250 वॉट्स का मोटर है, मैंने चलाया, बहुत अच्छा लगा इसका पिकअप। और एक चार्ज पे 80 किलोमीटर चलती है और बहुत ही अच्छा है। कंपनी का एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा इसके साथ है, अगर आपको ये व्हीकल ट्राई करनी है तो ये आपको 3 दिन के लिए मिलेगी। आप इसको 3 दिन चला के, चार्ज करके, बैटरी उतार के, किलोमीटर राइड करके, स्पीड देख के, पिकअप देख के, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको लेना है या नहीं लेना है। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक राउंड मार के हम गाड़ी कैसी चलती है पता नहीं कर सकते हैं। तो राफ्ट जो है वो मल्टी ब्रांड शोरूम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इनके अभी मुंबई और आसपास बहुत सारे शोरूम्स चालू हो गए हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे कहाँ में अभी इन्होंने शोरूम चालू किया, और यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये महाराष्ट्र के। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का डिटेल्स मिल जाएगा, स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा लगे तो आप जाके देख सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कुछ आपके क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिएगा। थैंक यू।